देखिए अपने फेवरेट शो सब खेलो सब जीतों के सारे एपिसोड सिर्फ sonylive.com पर जब आप चाहें। What happened? आप रो क्यों रहे? हमें मम्मी की बड़ी याद आ रही है। मैं चौटाला मम्मी की अगर ट्रेन ना मिस होती ना तो आज वो हमारे पास होती, हमारे साथ होती, हम साथ में बैठ के लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे होते। अरे सर आप भी, मतलब मैं तो डरी गई, मन्ने लगा पता नहीं क्या हो गया। सर आप कोई छोटे बालक तो है नहीं, यू आर 18 प्लस विदाउट पेरेंटल गाइडेंस है नहीं, तो सर मम्मी आ जाएंगी, मम्मी तो मम्मी है। नहीं मैं छोड़ा, लेकिन याद तो आ रही ना हमें, हमारे यहाँ पर है ही कौन अपना। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आगे रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आगे रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है, क्या हो रहा है? लंच। हेलो सर। आए आए। ये ये। सर जिस आदमी के पापों का घड़ा भरा हुआ है, आए 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 आए, उस आदमी को आपने बाहों में भरा हुआ है। आहा। ये तो रोज का है। नहीं गोपी, तू कुछ नहीं कहेगा। हाय दया। मिस चौटाला क्या बता, ये जो गोपी है ना बहुत परेशान है। लेटे रे लेटे रे लेटे रे गोपी लेटे रे। इस गरीब आदमी की बीवी ने से कहा है कि उसे आज फिल्म देखने जाना है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। लेट जा गोपी लेट जा, क्यों उठ रहा है बार बार? तो हम उसे जादू की झप्पी दे रहे ताकि ये और परेशान ना हो, है ना गोपी? या मॉम, सर ने कहा वो मुझे नहीं देख सकते रोते हुए ऐसे इज्दा, ये फिल्म देखने के लिए देंगे मुझे पैसे इज्दा। आजा सैया पकड़ ले भैया। ऑफ कोर्स हम पैसे देंगे। हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे तो कौन देगा गोपी? वाओ। जाओ मेरे भाई जाओ, जाके अपनी वाइफ को फिल्म दिखाओ, बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट और हमारी तरफ से एक स्पेशल पॉपकॉर्न भी। ओके सर, वो मेरी बीवी है, चाहे उसको मैं पॉपकॉर्न खिलाऊं या समोसे खिलाऊं, कोने में बिठाऊं या सेंटर में बिठाऊं। निकल यहां से, निकल। थैंक्स ब्रो। थैंक यू सर। गोलू। यस मैडम।
इधर सर। लड्डू और गोलो गोलो लड्डू। चल बेटा चल चल। आइयो हम क्या बोलता है, अभी पुलिस कुछ भी नहीं करेगा, जो भी करना है हमको करना है। डैशिंग मेरा घर रोड फेसिंग। अरे सुनो, मुझे भी यही लगता है कि पुलिस के बस का नहीं है जांगिया बनियान गैंग को पकड़ना। अरे हमें कुछ करना पड़ेगा, एक एक करके हम ही भर लेंगे उन्हें बोरे में। डिनर में भिंडी खाऊंगी। अभी तुम चुप रहो क्योंकि हमारे साथ पहलवान जी भी है। उनका अखाड़ा भी उन लोगों ने लूटा था, यानी ये तो है ना, उनकी हड्डी पसली एक कर देंगे। एक बोल में 12 रन चाहिए, क्यों पहलवान जी? हाँ, अरे ससुराल को आने दो तो। अरे ऐसा पकड़े, ऐसा कूटेंगे कि याद कर लेंगे, वापस कभी नहीं लूटेंगे हमारा पहलवान, समझे? ठीक है, देखो उससे पहले कि वो हमें देख ले हम लोग छिप जाते हैं, ठीक है, बाद में उसको पकड़ लेंगे। एक बोल में 12 रन चाहिए, चलो छुप जाओ। ठीक हमला, एक बॉल में 12 रन चाहिए। हाँ उधर देखो, जांगिया बनियान गैंग का एक मेंबर इधर आ रहा है। रेडी रहो, रेडी। जब तक हमारा पूरा सामान नहीं मिलेगा हम चैन से बैठेगा नहीं। डोसा डैशिंग है, मेरा घर रोड फेसिंग है। क्या हल्ला कट रहा है चौकी में, क्या शोर मचा रखा है? नमस्ते मैडम। मैडम हम जनता कॉलोनी वालों ने सोचा कि जांगिया गैंग को पकड़ना आपके लिए मुश्किल है, तो क्यों ना हम लोग ये काम कर ले। तो हम लोगों ने सोचा कि हम उसे खुद पकड़ेंगे और खुद उसकी धुनाई करेंगे, भिंडी खाऊंगी डीलर में। अच्छा मैडम, कल उसी गैंग का एक आदमी हमारी कॉलोनी में घूम रहा था, हमने उसे पकड़ा, खूब मारा और घसीट कर यहाँ पर लेकर आए। एक बॉल में 12 रन चाहिए। कहाँ है बॉल में? अब भी लेके आता हूँ। मैडम आज मुझे मत रोकिए मैडम, मैडम इस अपराध की दुनिया की झिंगुर की मैं चटनी बना दूंगा, बना दूंगा इसका ब्रेड पकोड़ा मार के कोड़ा। कोड़ा ले गया। हाय हाय। ये लीजिए गुलगुले जी कोड़ा, इसे पूरा गीला कर दीजिए। ये मार मार के। ओ आने दे उसे। चल चल। ये मैडम ये हाय हाय। एक मिनट, एक आवाज तो यो हटाओ, ये बोरा हटाओ। ये कहीं वो नहीं है क्या? ये वो तो नहीं है, ये कौन है? ये कहीं बस वो ना निकले, बस सब हो जाए, लेकिन ये आवाज तो पहचान की है, ये वो ही आवाज है। भैया आप आपने जांगिया बनियान गैंग ज्वाइन कर लिया? क्या जरूरत है यार गोपी, इस पुलिस की नौकरी में क्या कमी थी कि तू लुटेरा बन गया? वे हैमस्टर्स, ओवर एक्टिंग के सम्राट। चुप रहो यार दो मिनट। क्या गोपी, क्या हो? वेल मॉम, मेरी बीवी ने मुझे इस हालत में घर से दिया था, बाहर निकाल इस था। ये लोग समझे मैं वो चोर हूँ जो चोरी करके मचा रहा है बवाल इस था। मम्मी जी, इन्होंने मेरे को अंधेरे में बहुत पीटा जी, बहुत पीटा जी।
पाँव घसीटा नहीं, मार मार के यहाँ तक ले गया है वैसे। आओ। आइयो मैडम, आपका पुलिस वाला चोर। Oh, no. सरल हिंदी में एक बार और मैं आपके लिए रिपीट कर दूं जो इसने कही। इसकी बीवी ने कल इसे इस इंटरनेशनल नंग धड़ंग हालत में निकाल दिया। गलत फहमी हुई है आप लोगों को। हाँ, लेकिन इसने तो सोनू का झांगिया पहना है। एक बॉल में 12 रन चाहिए, देखिए। वेल मॉम, मैं उस सोनू सुपरवाल से जी ढेर सारे झांगिये डिस्काउंट में ले आया था जी। सत्यानाश, हमने सोचा था मैडम कि एक पकड़ में आ जाएगा तो उसके हिसाब से हम सारा गैंग पकड़ लेंगे और हमारा जो लुटा हुआ सामान है सब वापस मिल जाएगा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। भिंडी खाऊंगी डिनर में। निराश ना हो, ऐसा ही होगा, क्योंकि आने वाला वक्त जांगिया बनियान गैंग के लिए 3 चीजें लेके आएगा। नंबर 1, हथकड़ी। नंबर 2, जेल। नंबर 3, सजा। कानून का ये हाथ हालातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली, इसे रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। कोई इतनी जोर से भी किसी को हंटर मारता है क्या? गोपी, मुझे कहां पता था यार, मुझे कहां पता था कि इस बोरी के अंदर तू है। प्लीज, आई डू नॉट टॉक टू हिम। हू आई? यार मैंने माफी मांगी ना यार गोपी, तू अपने इस दोस्त को माफ नहीं करेगा यार। मैंने ये क्या आवाजें क्या निकाल रहा, मैं पूछ रहा हूँ माफ करेगा यार गोपी मुझे? गोपी, अरे दोस्त गोपी, अरे दोस्त। फाइल एक्सपर्ट क्यों नहीं आया अब तक? आ रहा है मैडम, आ रहा है। मैं खुद गया था मैडम उसको बुलाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके घर में घुसा, मतलब जो खुशबू आई मैडम, क्या पराठे बन रहे थे उसके घर में, मतलब आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मेथी का पराठा, मूली का पराठा। और खाएगा? नहीं मैडम, कुछ हाजमा आज ठीक नहीं है बस, थैंक यू। मैडम जी नमस्ते, मैं अचार आ गया। आ गया तो मैं के अचार ने मैं सिंहासन बिठा के थारा राजभिषेक करूं? जिस काम के लिए तेने भेजा था वो उसकी बोल ले, वरना मौसी की पुरानी साड़ी ने फाड़ के छत पे तेने अचार की जगह पे सुखा दूंगी लेटा के उस पे। पता चला वो ऑयल किस चीज का ऑयल है, वरना निकाल दे तुम्हारा ऑयल है। वैसे भी हम झाग निकालने में एक्सपर्ट है। काले? नहीं नहीं सर जी, पता चल गया है कि वो कौन सा तेल है। अरे वो कोई ऐसा वैसा तेल नहीं है। तो कैसा तेल है? अरे वो जो है ना, वो जंगल जलेबी का तेल है। वेल, व्हाट इज दिस जलेबी इज द, आज एक नई गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी, मे बी इज द पोपले। अरे दादाजी, ये जो जंगल जलेबी है ये जंगल में पाई जाती है और इसके पेड़ होते हैं और इसी का तेल निकाला गया है। मैडम जी, इसका तेल बड़ा चिकना और नशेदार होता है। हाँ। और ये तेल कैसे निकाला जावे? अरे मशीन से निकालते हैं और किसी से निकालते हैं। तो तुम किसी इंसान को जानते हो जो ये जंगल जलेबी का तेल निकालता है? अब सर जी क्या ना कि ऐसे इंसान को तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जंगल जलेबी का तेल कोई क्यों निकाले? लेकिन लगातार निकाला तो जा रहा है, और ना सिर्फ निकाला जा रहा है बल्कि खूब बदन पर लगाया जा रहा है जांगिया बनियान गैंग के चोरों के। हमें तो यो पता लगाना है कि वो तेल निकल कहां रहा है। एक काम करो, स्निफर डॉग्स का इंतजाम करो, ये तो वही सूंघते सूंघते पहुंचाएंगे हमें इस तेल की तेली पर। आए हाय, चल गोपी काम पे लग जा।
मैं वो क्या करूं क्या बोलूं मम्मी जी को, कौन सी बात बोलूं? ये बोल देता हूं, वेल मॉम मेरी बीवी की तबीयत है बहुत खराब, इसदा पूरी बात है पीनी शराब इसदा। नहीं बात कुछ बनी नहीं है, और क्या बोलूं? हाँ ये बोलता हूं, वेल मॉम मेरे पेट में हो रहा है दर्द इसदा, आई लाइक अमिताभ बच्चन की मर्द इसदा। नहीं यार ये तो कई बार बोल चुका हूं मैं, कोई नई बात कोई बोलनी चाहिए। हाँ ये ठीक है, वेल मॉम सीढ़ियों से गिर गई है मेरी सास इसदा, हसीना है अगर दही है तो मैं हूं छाछ इसदा। क्या डरा के रख दिया? भैया डॉक्टर अस्थाना बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो मैं क्या करूं? तुम जाके करवाओ अपना इलाज इसदा, हसीना है अगर एफडी है तो मैं हूं ब्याज इसदा। वो पागलों के डॉक्टर है, ये, ये, ये। आप जाके उनसे अपना इलाज करवाइए। तो मैं क्या बताऊं बिल्लू यार, मुझे ना कैसे भी करके ना मम्मी जी से छुट्टी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा बहाना लगाऊंगा जिससे मुझे छुट्टी मिल जाए। क्यों आज आपकी गर्लफ्रेंड की शादी है क्या जो आपको छुट्टी चाहिए? अरे नहीं यार कोई शादी वादी नहीं है, तुम्हें क्या बताऊं यार मुझे ना कुत्तों से बहुत डर लगता है यार, और तुम्हें पता ही है आज शाम को हमने कुत्ते के साथ जाना इसलिए। अच्छा भैया मुझे तो लगता था कि कुत्तों को आपसे डर लगता होगा। देखो मुझे ना कभी जल्दी गुस्सा आता नहीं है, मैं बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो ना फिर ना मैं फिर ना पंप उखेड़ देता हूँ, तेरा हुलिया बिगाड़ के रख दूंगा मैं। हुलिया आपका मैडम बिगाड़ देंगी जब उनको पता चलेगा कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं। तो क्या करूं बताना यार मैं क्या करूं? भाईला एक रास्ता है मेरे पास भैया, जिससे आप ड्यूटी पे भी जाएंगे और कुत्ता भी आपको नहीं काटेगा। वो कहते हैं ना जैसे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ऐसे कैसे हो सकता है यार, मुझे शहर का हर कुत्ता काट चुका है यार, हर कुत्ता काट चुका है, और मुझे देखते ही ना एक दूसरे को इशारा करते हैं, वो देखो वो आ गया। क्या बात कर रहे हैं भैया, इसका मतलब है कि कुत्तों की दुनिया के आप आतंकवादी हैं, कि कुत्ते आपको देखते ही अलर्ट हो जाते हैं। यार तुम मेरे को ये बातें मत कर, तू ये बता इलाज क्या है इसका, मैं क्या करूं कौन सा बहाना लाऊं मम्मी जी के पास जो मेरे कुत्ते के साथ ना जाना पड़े। ये क्या है? चमगादड़ों की दुनिया पे कलंक है तू कलंक, तुझे इस चमगादड़ देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, तेरे पंख कटवा के तुझे इस चमगादड़ दुनिया से बाहर निकाला जाएगा। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे चमगादड़ कहा था, सॉरी भैया। क्या सॉरी, इलाज बता क्या करूं, कुत्तों से कैसे बचूं? नहीं आप चलिए तो सही ड्यूटी पे, मैं वही आपको इलाज बता दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नहीं होगा सब आप समझिए। आर यू श्योर इज दा लता रफीक श्योर इज दा? हाँ भैया आप बस ये समझ लीजिए कि कुत्ता आपको नहीं काटेगा। तो फिर कैरी ऑन। क्या था ये, क्या था बताओ तो क्या है? चल मेरे भाई सूंग ले, अबे सूंग ले भाई भाग कर रहा है सूंग ले। हाँ वेरी गुड, ढूंढो कुछ मिला क्या? चलो यहाँ देखो, यहाँ मुझे कुछ लग रहा है, यहाँ 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 कुछ है। बड़ा यार क्या खिला के पैदा किया इसको, अबे सूंग तो सही उधर सूंग सूंग उधर 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 उधर। यहाँ भी नहीं है, अच्छा 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 ये ले ले ये। क्या हुआ भैया आपको बहुत डर लग रहा है क्या? या ब्रो मुझे लग रहा है डर इसदा, कहीं इसने काट लिया अगर इसदा है।
ये अगर आपके मन में ऐसा कोई डर है ना, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ जिससे कुत्ता आपको नहीं काटेगा। वेल, आइडिया दे जल्दी इसका। अगर इसने मुझे काट लिया, इंजेक्शन के साथ जख्म पे लगानी पड़ेगी हल्दी इसका। कोई बात नहीं, ये देखिए, ये ना, इसे आप एक जोक सुनाइए, जोक सुनाइए इसे आप एक, क्योंकि ये स्निफर डॉग है। कौन सा, क्या है? स्निफर डॉग, सूंघने वाला कुत्ता। इसे चुटकुले बहुत पसंद है। आप इसको चुटकुला सुनाएंगे तो फिर ये आपको नहीं काटेगा, नहीं काटेगा ना, है ना? देखो हाँ बोल रहा है। अच्छा, जोक सुनेगा ये? वेल डॉग ब्रो, एक बार एक आदमी ना सड़क पे जा रहा होता है, तो सामने से ना एक कुत्ता आ जाता है। Catch your favorite episodes of FIR only on Sony Live.